शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर दोस्तों आप इन परेशानियों से पीड़ित हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र ही है। विवाह में देरी शुक्र है, हर समय घर में कलह बने रहना यह भी शुक्र है, पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर चलना यह भी शुक्र है, नपुंसक पैदा होना यह भी शुक्र है, और बलात्कार जैसे अपराधों को करना यह भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र ही है। आप सुंदर स्मार्ट बनते हैं तो यह भी आपकी कुंडली में शुक्र है। तमाम विषयों पर आज की जानकारी आपको समर्पित है। प्रयास है दोस्तों कि हम ज्योतिष के रहस्यों से जुड़ी जानकारी आप तक लेकर आएँ, और इन जानकारियों से आप अपने जीवन में आई कोई समस्याओं को समाप्त करके अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएँ। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अंशुमन शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पर स्वागत करता हूं। आग्रह, यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गौ माता की जरूर लिखिएगा। दोस्तों शुक्र ग्रह 9 ग्रहों में बड़े बलवान ग्रह माने जाते हैं, दैत्यों के स्वामी हैं और भृगु नंदन है अर्थात भृगु ऋषि की संतान है। स्त्री कारक ग्रह की इनको संज्ञा दी गई है, सुंदरता ऐश्वर्य सौहार्द के प्रतीक हैं, पर्सनैलिटी के प्रतीक हैं। कन्या राशि के बलहीन माने जाते हैं और मीन राशि के बलवान माने जाते हैं। बुध शनि और केतु इनके मित्र ग्रह माने गए हैं, सूर्य चंद्रमा ये इनके शत्रु ग्रह हैं, मंगल और गुरु इनके सम ग्रह, राहु सम ग्रह की स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति और राहु इनकी सम स्थिति में माने गए हैं। दोस्तों इनका 12 भाव में अलग अलग आचरण, अलग अलग इनका स्वभाव हमारे जीवन में आने वाली गतिविधियों को दर्शाता है। छठे घर में यदि शुक्र बैठ जाए, किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो ये तमाम समस्याओं को आपके जीवन में उड़ेल देता है, जिससे हर दिन एक नई समस्या के साथ जीवन व्यतीत होता है। आप बार बार विवाह में प्रयास कर रहे हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से भांजी जो होता है, कोई थर्ड पर्सन आपके बारे में लड़की वालों को नेगेटिव स्थितियों को बता देता है या लड़की के परिवार को लड़के के बारे में नेगेटिव स्थितियों को दर्शाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र ही है। बलहीन शुक्र होगा, ये समस्या आपके जीवन में दर्शाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि शुक्र 10 अंश और 20 अंश के बीच में शुक्र बलवान माने जाते हैं, इनसे नीचे शुक्र बलहीन माने जाते हैं। 2-3 अंश पे तो शुक्र की स्थिति ये रहती है कि बार बार विवाह होते हैं परंतु बात बिगड़ जाती है, हर बार डिवोर्स हो जाता है, फिर प्रयास किया जाता है फिर डिवोर्स हो जाता है। बहुत सी ऐसी कुंडलियाँ हमारे जीवन में आई हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 विवाह कर चुके हैं परंतु वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग पाते हैं, तो यह भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र है। ज्यादा जानकारी आपकी स्पष्ट हो सकती है आपकी कुंडली के पास। इसके अलावा दोस्तों वैवाहिक जीवन में कलहों का उपस्थित होना, यानी कि आपका शुक्र है, शुक्र किसी शत्रु ग्रह से पीड़ित है, अर्थात जिन ग्रहों को शुक्र शत्रु मानता है, सूर्य चंद्रमा या मंगल से यदि आपका शुक्र पीड़ित है या शुक्र अस्त है, तो यह कहीं ना कहीं आपके बनते बनते कार्यों को बिगाड़ देता है। सप्तम भाव में यदि दोस्तों आपका सूर्य उपस्थित है, तो ये कहीं ना कहीं आपके 2.5 से 3 वर्ष ऐसे हैं जो कलह के साथ निकालता है, उसके बाद धीरे धीरे आपका जीवन अच्छे की तरफ चलता है, परंतु ये 2.5 से 3 वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें बार बार डिवोर्स की स्थितियां बन जाती है, परंतु किसी ना किसी अच्छे महापुरुष के योगदान से या कोई अच्छी सोच के कारण डिवोर्स होते होते रह जाता है। तो अगर आपके जीवन में इस तरह का उतार चढ़ाव है कि आपका कोई भी अच्छा कार्य बिना कलह के संपन्न नहीं होता है, और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कलह इतना बढ़ जाता है कि आप डिवोर्स तक की सोच लेते हैं, तो आपके लिए जानकारी बड़ी अहम रहेगी कि आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे विशेषज्ञ से जांच करवाकर उसके उपाय करके आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बलहीन शुक्र और क्रूर ग्रह से पीड़ित शुक्र आपकी तमाम समस्याओं को बढ़ा देता है। आपकी संसार में समाज में वो ख्याति नहीं रहती है, क्योंकि हर दिन का कलह दोस्तों रिश्तेदारों में समाज में आपकी जो पर्सनैलिटी को बिल्कुल ही नष्ट करके रख देता है। आप तमाम प्रयास भी करें, वो खोई हुई इज्जत को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोबारा। यदि बार बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं और 4 पर्सन आपके घर में बैठकर आपको
अच्छा करने की सलाह देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आज वो भले ही अच्छी बातें करते हो परंतु कल आपका समाज में मजाक उड़ने वाला है। तो ऐसी स्थितियों से निकलने का प्रयास कीजिएगा और अपनी कुंडली के अपने पार्टनर की कुंडली की जांच करवाइएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपका शुक्र पीड़ित हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति का है, तो क्रूर ग्रहों से भी पीड़ित है, इसके अलावा आपका शुक्र अस्त है, या फिर दोस्तों आपका शुक्र 5-6 अंश पर है, तो यह स्थिति आपके पार्टनर को किसी और के साथ रिलेशन में बांधने का भी काम करती है। यदि आपके साथ ऐसा है कि आपका पार्टनर किसी और के संपर्क में है, चाहकर भी आप उस समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं, आप पार्टनर को भी समझा चुके हैं, उस पर्सन को भी समझा चुके हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जानकारी अहम रहेगी कि आप अपनी अपने पार्टनर की कुंडली की जांच करवा के उस स्थिति में निवारण कीजिएगा, तो निश्चित ही आपकी समस्या का सलूशन हो सकता है। क्योंकि यदि आपका शुक्र बलहीन है, अर्थात आपकी पर्सनैलिटी सामने वाले पर्सन को नहीं भा रही है, अर्थात नहीं उसको अच्छी लग रही है, तो आपका शुक्र बलहीन है। तो आप शुक्र को मजबूत करेंगे तो आपका शुक्र बलवान बनेगा, तो तब आपके पार्टनर को आपसे बेहतर कोई और नहीं लगेगा। अगर दोस्तों सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र किसी क्रूर ग्रह से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो ऐसा इंसान जो है बलात्कार जैसे अपराधों को कर बैठता है। ऐसा बहुत सी कुंडलियों हमने शोध में पाया है कि सप्तम भाव में बैठा हुआ शुक्र यदि बलहीन है और क्रूर ग्रह से भी पीड़ित है, तो ऐसा इंसान समाज में अपनी ख्याति को घटा बैठता है, अर्थात अपनी सोच को मलिन कर बैठता है, पर स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है। तो यह भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र ही है। यहाँ पर यदि शुक्र से रिलेट उपाय करवाएंगे, परंतु दोस्तों देखिए, बिना जांच के आप शुक्र को मजबूत करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपका शुक्र इस दशा में और स्थिति में हो कि आपके लिए शुक्र के उपाय करना भी उचित न हो। ये जानकारी बड़ी अहम है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ज्योतिष के माध्यम से कोई हमें बता देता है कि आप शुक्र को मजबूत कर लीजिए, परंतु कई जगह पर ऐसा भी होता है कि कुंडली में आपको शुक्र का उपाय करना आपके लिए उचित नहीं होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दिमाग से कार्य करके स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ लें, तो बेहतर ये रहेगा कि कुंडली की जांच करवाएं। अब यदि दोस्तों कुंडली के अंदर शुक्र भी बलहीन है और ऊपर से बुध भी बलहीन है, अर्थात बुध भी किसी ग्रह से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है या अस्त है, तो यहाँ पर आपके अंदर जो है नपुंसकता का बीज उत्पन्न हो जाता है, अर्थात नपुंसक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका निवारण तो कोई है नहीं, निवारण सिर्फ यही है कि जिस रूप में ईश्वर ने आपको जन्म दे दिया है उसी का पालन करिए, मर्यादा के साथ ईश्वर का आचरण करते हुए जीवन को व्यतीत कीजिएगा, ताकि ईश्वर अगले जन्म में इस तरह की परिस्थिति में आपको जन्म न दे। अब दोस्तों कुछ उपाय जो मैं आपके यदि कुंडली में हर दिन रिलेशन में दिक्कत है तो मैं उससे रिलेट कुछ उपाय आपको बताना चाहूँगा, पर फिर भी मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप कुंडली की जांच करवा कर ही उपाय को कीजिएगा, क्योंकि यह स्थिति आपकी स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। दही से स्नान करना शुक्र को मजबूत करता है, दूध से स्नान करना यह भी शुक्र को मजबूत करता है, और दही में यदि मुल्तानी मिट्टी को मिला के शुक्रवार या अन्य दिनों में स्नान किया जाए, यानी कि साबुन का प्रयोग कम किया जाए और इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा किया जाए, तो इससे भी शुक्र की मजबूती होती है। फिरोजा रतन भी या हीरा डायमंड ओपल भी डालकर आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। हर शुक्रवार को जिमीकंद आप जो है किसी मंदिर में दान करके भी शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। सफेद वस्त्रों का प्रयोग करके भी आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियाँ थी दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके जीवन को सुखम बनाने के लिए आपको समर्पित है। प्रयास रहेगा कि और भी सुंदर जानकारियाँ हम आप लोगों तक लेके आएँ, ताकि आपका जीवन अच्छा रहे। आपका जीवन अच्छा चलता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि मानवता इंसान का धर्म है, जितना ज़्यादा हो सके दूसरों की मदद कीजिएगा, क्योंकि यही एक जीवन ऐसा होता है जिसमें हम अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो इस जानकारी को आप आगे शेयर करके, यदि आपका कोई साथी, आपका कोई अपना या शत्रु भी यदि आपका इस तरह की स्थिति से परेशान है, तो आप उस तक ये जानकारी पहुँचा के आप एक मानवता और इंसानियत का धर्म निभा सकते हैं और
अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों खुश रहिएगा, सदा परमात्मा की शरण में रहिएगा, जरूरतमंदों की मदद करिएगा, फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा और जय गौ माता की, जय भारत माता की।